नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए e-Kalyan स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला e-Kalyan स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट एक छोटा सा गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, या फिर कुछ स्टूडेंट का फॉर्म अगर अप्रूव भी होके पेमेंट भी मिल जाएगा तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट अपना फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार वो गलती कर चुके थे, जो कि इस बार स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो कौन सा वो छोटा सा गलती है जो कि आप लोग को नहीं करना, आज इस वीडियो में हम आप लोग को डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट का अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कि वो गलती आप लोग एकदम ही नहीं करेंगे, आप लोग को पेमेंट भी मिलेगा और नेक्स्ट ईयर आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या गलती है, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहेंगे, वहां पर भी बहुत सारा अपडेट देता हूँ। चलिए अभी बात करते हैं आप लोग क्या गलती है जो आप लोग को नहीं करना। अगर आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, अगर एडिट का ऑप्शन है तो अभी आप एडिट भी कर सकते हैं। और उससे पहले बता दूं कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है या नहीं है उसको जरूर एक बार चेक कर लेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक दे दिए, चेक आधार लिंक बैंकिंग स्टेटस। अगर आपका अकाउंट NPCI के साथ लिंक है तो आपको पेमेंट रिसीव होता है e-Kalyan का, अगर बैंक लिंक नहीं रहता है तो आपको e-Kalyan का पेमेंट नहीं मिलता, इस बात का ध्यान देंगे। NPCI लिंक जरूर चेक कर लेंगे अकाउंट के साथ, कोई भी अकाउंट के साथ एक्टिवेट है या फिर नहीं है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। चलिए अभी बात करते हैं कि e-Kalyan स्कॉलरशिप में कौन सा वो छोटा सा गलती जो आपको नहीं करना। तो मैं अपना ही फॉर्म को लॉगिन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये स्टूडेंट लॉगिन में हम क्लिक कर दिए, अभी हमको साइन इन करना है तो हम अपना फॉर्म यहाँ पर आप लोग को साइन इन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग देख लीजिए खुद ही, और आप लोग अगर गलती कर दिए हैं तो एडिट का ऑप्शन अभी मिलेगा, अगर कॉलेज वेरीफाई नहीं किए हैं तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग जरूर एडिट कर लेंगे अगर आप ये गलती किए हैं तो, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग को पेमेंट भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल भी मतलब फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरा देख सकते हैं लॉग इन हो गया, मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इसको थोड़ा नीचे करना है तो देख सकते हैं हम फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। तो मेरा प्रिंट का ऑप्शन आ रहा और अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा। तो क्या गलती आप लोग नहीं करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। तो एडिट ऑनलाइन में जाके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जब आप लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दूसरा जैसा ऑप्शन आएगा सभी शुरू से, लेकिन एडिट ऑनलाइन में भी वही चीज़ बताऊँगा जो चीज़ आप लोग को वहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं अभी हम एडिट ऑनलाइन में क्लिक किए, देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा एडिट वाला ऑप्शन आ गया, बहुत बार ओके किए तब जाके ये ओपन हुआ। आप लोग का अगर ओपन नहीं होता तो दो चार बार इंटर बटन को दबाइएगा कीबोर्ड का तो ओपन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं हम एडिट वाला में मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या गलती नहीं करेंगे, तो पर्सनल डिटेल्स जो फिलअप करेंगे वो सही रहेगा, कॉलेज डिटेल्स में आप लोग को ध्यान देना। देख सकते हैं कॉलेज डिटेल्स को हम ले लिए, आप लोग का सीरियल बाय सीरियल सब आएगा इस तरह एकदम सीरियल बाय सीरियल। तो कॉलेज जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कॉलेज धनबाद, मेरा धनबाद सदर है, और अपना जो भी कोर्स यूनिवर्सिटी है उसको ले लिए, और यहाँ पर कॉलेज का नाम भी ले लिए। अभी यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का कोर्स, जैसे हम कर रहे हैं मास्टर ऑफ साइंस मतलब MSc कर रहे हैं PKR कॉलेज से, तो MSc का कोर्स ले लिए। अगर आप लोग दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग अपना अपना दूसरा कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ले लिए। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना, इन विच कोर ईयर कोर्स इज स्टडिंग इन करंट ईयर, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं अभी, और पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, जैसे बैचलर ऑफ साइंस है या फिर आप BTech कर रहे हैं या फिर PG कर रहे हैं या फिर BEd कर रहे हैं या फिर ITI कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं आप, वो छोड़िए कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बताया जा रहा है सेलेक्ट कोर्स ईयर, यहाँ पर जो ऑप्शन है देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन है, 1, 2, 3, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन का कोर्स है हम सेलेक्ट किए बैचलर ऑफ साइंस मतलब ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में बता रहा कि 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो इसमें पूछ रहा है कि आप अभी कौन सा
ईयर में है, देख सकते हैं स्टडिंग इन करंट ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट गलती इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज में रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा सेमेस्टर में अभी है, कौन सा ईयर में अभी है, उसको याद ही नहीं रहता। तो अगर आपको मालूम है कि आप सेमेस्टर वन में है, सेमेस्टर टू में है, सेमेस्टर थ्री में है, तो आपको उस प्रकार सेलेक्ट करना। मैं आप लोगों को बताता रहा, जैसे सेमेस्टर वन और टू फर्स्ट ईयर हुआ, सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फोर में अगर है किसी में तो सेकेंड ईयर हो गया, और सेमेस्टर फाइव और सेमेस्टर सिक्स में अगर आप है तो थर्ड ईयर हो गया। तो आप देखिए अभी आप कौन सा सेमेस्टर में है, अगर पांचवा सेमेस्टर में है या फिर छठा सेमेस्टर में है तो आप थर्ड ईयर लेके फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप बीटेक में कर रहे हैं तो बीटेक का यहाँ पर चार साल का कोर्स आता है, तो वो आप देखिए कि आप फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, सेमेस्टर वाइज है तो कौन सा सेमेस्टर में है। अगर पांचवा सेमेस्टर में है तो आप देख लीजिए थर्ड ईयर हो रहा, छठा सेमेस्टर में है तो भी थर्ड ईयर हो रहा, सातवां सेमेस्टर है, आठवां सेमेस्टर में है तो आपका फोर्थ ईयर होगा, ठीक है। तो उस प्रकार आप लोग सेमेस्टर को ईयरली डिवाइडेड कर लीजिएगा और अपना प्रेजेंट क्लास ईयर को ही देंगे कौन सा ईयर में। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे तीन साल का है तो जो भी फर्स्ट ईयर में तो वन टू थ्री ऐसे लेंगे, आईटीआई कर रहे दो साल का है तो वन फर्स्ट ईयर में तो वन लेंगे, सेकंड ईयर में है तो टू लेंगे, इस प्रकार करके आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये था छोटा सा अपडेट सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।